2 बजे छुट्टी होता है और हम लोग उसे इतना धोआ धोआ के पूरा सजवाते हैं। और पैसों वालों के बच्चे नहीं आते हैं इसमें, गरीब के ही बच्चे आते हैं जो मजदूरी डेली करके बाजार में खटकर या मजदूरी करके कहीं से भी पैसा लगाकर अपने घर का जीविका चलाते हैं। वही लोग ऐसे विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं और वैसे ही बच्चों के साथ यहाँ पर खिलवाड़ किया जाता है। यहाँ पर दीवारों पर लिखा हुआ है मंटुआ साला हगेला, और यहाँ पर कौन लिखा है? गाँव के लोग लिखे होंगे मंटुआ कौन है और कौन लिखा है? हम है जितना पूछो हमके बताइबो। रसोई वगैरह कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, खाने का प्रबंध कुछ नहीं है अभी फिलहाल नहीं। कहाँ से? 2 बजे छुट्टी हो जाएगा। 2 बजे हुई खाना वाना कुछ बने लगी ना? कुछ ना, पिछला प्रिंसिपल साहिबा थी वो लूट खा पी कर चली गई, और खाने पीने पचाने में इसको फाइलों में दबाने में इसमें बड़े बड़े अधिकारी भी साथ देते हैं, बीओ डीओ सब देते होंगे, ऐसे तो दब नहीं पाएगा। वहाँ पे लड़का या कोई भी पूछता है कि आप बाथरूम क्यों नहीं खोलते हैं तो उसको ये मारने पड़ जाते हैं गगलिया के छोटे बच्चे को। बाथरूम सरकार काहे लिए बनवाई है? सिवान जिले के गुजनी प्रखंड के एक विद्यालय पर आए हुए हैं। यहाँ पर विद्यालय बंद होने का समय 3 बजे बंद होता है, और यहाँ पर अभी हम लोग गुजर रहे थे तो 2 बजे ही यहाँ पर बंद कर दिया गया। और इस टेकनिया गांव है, और इस विद्यालय का ये भी लड़का है यहाँ पर रुके, तो ये बोल रहा है कि डेली 2 बजे छुट्टी हो जाता है। और यहाँ का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जहाँ पर टीचर द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है ग्रामीणों के साथ। पीछे लड़का ना जाए चाहे तू बताइबो हमरा के, तू हमरा के बताइबो, होश में बड़ा कि ना, मारब जुतवा निकाल के अबे मुंह भड़क जाई, तू हमरा के बताइबो, तू हमरा के बताइबो, बताइबो हमरा के, जितना पूछो तनी हमके बताइबो। हमरा हमके मार दे, तू हमके बताइबो, हमरा हमके मार दे, बात बताइबो हमके, हम जितना पूछो तनी हमसे बताइबो, तू बताइबो हमके, इज्जत के लेवनी पढ़ावे नहीं, तू हमके बताइबो, दूर रही पढ़ावे नहीं, तू हमके बताइबो, तू हमके बताइबो, तो पढ़ावे नहीं दूर रही, इज्जत को हमके बताइबो, हम जितना पूछो तनी हमके बताइबो, बना जाके हमरा खेत हमके बताइबो, खेत बना जाके बड़के में देखलो, तू हमके बताइबो, और के बताए जो शौचालय बनता है बच्चों के लिए सरकार बनवाती है, लेकिन शिक्षक ही बस यूज करते हैं उसके बाद ताला लॉक कर देते हैं, ऐसा क्यों? सर जी उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों को कोई साफ सफाई की व्यवस्था नहीं मिलती है, कोई ऐसा नहीं है जिससे जो है किसी से सफाई कराया जा सके। सरकार के तरफ से तो वो रखा जाता है ना, कौन रखा है बताइए, किस कौन है जो इसकी शौचालय की सफाई करे? तो प्रिंसिपल के ऊपर है, रखा है या नहीं रखा है कौन ठीक है, फाइलों में सरकार की तरफ से उसके लिए पैसा भी आता होगा, आप इसकी जानकारी कर दीजिए कि कौन रखा गया है। हम अगर झूठ बोलते हो तो विभाग जानकारी देगा आपको। वैसे शिक्षकों की सैलरी क्यों रुकी हुई है आपको भी मालूम होगा, लापरवाही के चलते फाइलों में हाई कोर्ट जो फटकार लगाई है नीतीश कुमार को, तो नीतीश कुमार का आंख अब खुला है, अब वो बोल रहा है विद्यालय में आप लोग जाइए पता करिए, अगर कोई शिक्षक नहीं आता है तो वीडियो बनाकर लाइए डीएम के पास भेजिए, उसके बाद हम उसकी सैलरी नहीं देंगे, ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है? शिक्षक जब लापरवाही कर रहे हैं तभी ना ऐसा हो रहा है या नहीं? देखिए सर, लापरवाही नहीं होता तो मीडिया विद्यालय में प्रवेश ही नहीं करती, जाहिर सी बात, गांव के लोग या बच्चों के पेरेंट्स यहाँ कर बवाल नहीं मचाते, शिक्षक से उल्टा कोई बात कर ही नहीं सकता है, मनुष्य गलती करता है, जाहिर सी बात है कि मनुष्य गलती करता है, मनुष्य मशीन नहीं ना है, मशीन गलती नहीं करता है। अच्छा, मनुष्य तो गलती के लिए बना है, ऐसा उसी में तो छान कर निकाला जाता है तभी तो शिक्षक बनाया जाता है। तो बताइए शिक्षक के पद पे बैठकर मान लीजिए गलती करेंगे तो ये सही नहीं, और अभद्र भाषा का प्रयोग तो शोभा देता ही नहीं दे कर। आप जिस बच्चे को अगर हम पढ़ाए हैं और वही बच्चा आए और कहे कि जो है अगर इस तरह से काम होगा तो हम आपको देख लेंगे, आपको अच्छा लगेगा? एक चीज बताइए, समझाते आपको अच्छा आपको, लगेगा? आपके आप, पास आप, आपके पास समझाने की हैबिट है, पहले तरीका होना चाहिए। पहले, अभी देखिए गुठनी प्रखंड में ही ऐसा कई विद्यालय मुझे मालूम है, मैं जाता हूँ पता करता हूँ लेकिन पकड़ नहीं पाता हूँ। विद्यालय में पढ़ाने के पीरियड में वो लोग किचन में मांस बनाते हैं और उसका सेवन करते हैं, और उसके बाद शराब का भी सेवन करते हैं उसमें। छोड़िए शराब की बात, मांस और शराब तो उस शिक्षक हुए नहीं वैसा, जिस दिन पकड़े जाएंगे क्या होगा उन लोग का? सर अभी 2 बजे छुट्टी हुआ, कुछ बच्चे अभी गए, इस पर क्या कहेंगे? वो अपने घर से गया छुट्टी के लिए, छुट्टी लेकर। उतना बच्चे? उतना बच्चे नहीं, 10-15 बच्चे, 3 बच्चे एक ही परिवार के, 10-15 थे एक ही परिवार के, 10-15 बच्चे एक ही परिवार के, 2-3 बच्चे हैं एक ही परिवार के। हाँ, मैं देखा 10-15 बच्चे थे। नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं, वीडियो है ना, सब एक ही परिवार, वीडियो भी है, देखे होंगे लेकिन एक ही परिवार का है। 200 बच्चे बैग लेके गए हैं। 2 बजे आप लोग छुट्टी कर देते हैं।
सकता नहीं है। अच्छा कितने बच्चे हैं सर? ऑन रजिस्टर 62। अब शिक्षक? दो। दो ही है बस? जी। प्राइमरी है? जी प्राइमरी है। दो वो तो दो आप लोग आए ही हैं, वैसे बच्चे 62 तो आते नहीं होंगे। नहीं बच्चे कहीं भी नहीं आते। 100% उपस्थिति नहीं होती, कभी नहीं होती है, कहीं नहीं होती। अच्छा कितना आते हैं? 20 आते हैं कि नहीं? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कई जगह 10-11 आते हैं। अब बताइए हम लोग क्या करेंगे? 10-11 काउंट कर लीजिए बाबू। यहाँ पे सर बच्चों लोग से ये ईटा ढोवाते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं सब, हम तो नहीं रहते हैं, हम सुने हैं। छोटे छोटे बच्चे लोग से पूछिए कि ये स्वयं मास्टर हैं, इनको फर्ज बनता है कि बच्चा अगर गलती करता है तो उसको डांट बोलकर सुधारे। ये स्वयं ईटा ढोवा रहे हैं छोटे बच्चे। अब बताइए सर इस पर, अभी हम लोग एक पचरुखी में पचरुखी में पकड़े थे, पचरुखी ब्लॉक में, वहाँ एक शिक्षक को पकड़े थे लकड़ी वगैरह ढुलवाते बच्चे को, और उस पर वीडियो बनाकर भेजे थे, वो चढ़ा था। उसके बाद डीओ साहब फटकार वहाँ जिला से लगा था। अभी इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, अब फिर कहेंगे इसका कोई सबूत है? नहीं नहीं सबूत हम आपसे कुछ करने जाएंगे। सबूत तो है, हर चीज का सबूत है, यहाँ का हर चीज का सबूत है। वीडियो दे दीजिए, वहाँ हाँ वीडियो भी मिलेगा आपको। अब वहाँ पीछे ये सब बच्चे से ले जाकर वहाँ बाथरूम करता है सब, वहाँ पे लड़का या कोई भी पूछता है कि आप बाथरूम क्यों नहीं खोलते हैं तो उसको ये मारने पड़ जाते हैं गगलिया के छोटे बच्चे को। बाथरूम सरकार काहे लिए बनवाई है? अब यहाँ पर सरकार बाथरूम बनवाती है बच्चों के लिए, हर फाइलों में लिखा रहता है कि हर स्कूल में शौचालय बन गया है जिसमें बच्चे शौच करने जाएंगे। यार यहाँ पर हर स्कूलों की ऐसा हो गया है जहाँ पर प्रिंसिपल साहब बाथरूम को बंद कर देते हैं और अपने खुद जाते हैं आते हैं और जब यूज करते हैं तभी खुलता है, लेकिन बच्चे नहीं जाते। बोलते हैं कि हम केस करके केस किए हैं झूठा जाके बच्चे पर, और बोलते हैं कि हमारे पास इतना पैसा है कि हम जेल में डाल देंगे, हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है। इनका का नाम है बच्चे से ये झगड़ा करते हैं, जाके केस करते हैं झूठा। वहाँ पे पुलिस आया था, वो कोई इनका प्रूफ नहीं मिला। वो वीडियो है बच्चे के पास जो हुआ है, वो अब पीछे चलिए वो दिखाते हैं कितना नुकसान हुआ है, बोआ हुआ खेत में, ऊपर से ये झगड़ रहे हैं पूछने पे। मान लीजिए लड़का आया पूछा, प्रेम से उसको समझा भी सकते हैं कि चलो लड़का लोग है, हम मानते हैं कि ये नहीं भेजे होंगे, बच्चा लोग गया है नहीं भेजे होंगे, हम इनका गलती नहीं देते। लेकिन अगर गया है नुकसान हुआ है तो यहाँ पे प्रिंसिपल है, ये इनका जिम्मेवारी बनता है कि उसको एक्सेप्ट करे कि हाँ हमारा बच्चा गया है नुकसान किया है तो आज से नहीं करेगा। ये चीज कह सकते हैं ना? उल्टे बच्चे को मारने के लिए ये घगेलिया के मारने के लिए तैयार हो गए, कोई नहीं। चलिए एक शिक्षक को ये शोभा नहीं देता नहीं, है कि देखिए शोभा नहीं, आरोप लगाया जा रहा है, ये आरोप मनगढ़ंत है। वो हमारा अगर बच्चा अगर गया है तो उसको पूछना तो बताना चाहिए ना कि फला बच्चा गया है। वो उसका वीडियो है, आइए भी केस किए हैं, वो कोर्ट में जाएगा, वो भी ये प्रूफ देंगे। आप वो जो केस हुआ है ना आगे वो वीडियो भी कोर्ट में जाएगा। यहाँ पर टेम्पररी शौचालय लगाया गया था, ये गिर गया है, और ये वाला शौचालय हरदम ताला लगा रहता है, जिंदगी में कभी यूज में नहीं आता है। सरकार पैसा तो दे दी है, जनता का पैसा इसमें लग गया है बच्चों के यूज के लिए, लेकिन बच्चे यूज नहीं करते, शिक्षक भी शायद यूज इस समय नहीं करते हैं। रसोई वगैरह कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, खाने का प्रबंध कुछ नहीं है, अभी फिलहाल नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि व्यवस्था आप सामने देख ही रहे हैं। एक ईमानदारी से बताइएगा, बन नहीं रहा है फिर भी पैसा तो आता होगा? पैसा चूंकि मान लीजिए हम दिखाएंगे तब ना पैसा आएगा, ऐसा तो होता नहीं होगा कि फाइल तो मेंटेन होता ही होगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं। कई जगह इस समय शिक्षक डीओ बीओ पकड़े जा रहे हैं इस लापरवाही में, फाइलों में चढ़ा दे रहे हैं लेकिन धरातल पर वैसा कुछ नहीं। ऐसा नहीं, कुछ पैसा वगैरह कुछ बच्चों के लिए आता ही नहीं, खाने पीने का कुछ भी। खाने पीने के लिए पैसा तो चूंकि ऑन हैंड नहीं मिल रहा है, सब चूंकि एडवाइस से ट्रांजेक्शन हो रहा है, ऑन हैंड नहीं मिलता है। मनोज सिंह के एक्सपायर होने की वजह से कोई, चूंकि हम लोग क्या वही भेंडर थे, भेंडर चूंकि अवेलेबल नहीं होने की वजह से कोई भी खाना नहीं बन रहा है। पहले तो इसकी हालत बहुत खराब थी, अब बनना शुरू हुआ है स्कूल। हाँ, अब बनना शुरू हुआ। पहले क्यों लटकी थी ऐसे? वो लंबी कहानी है, उसमें जो है जो भी पैसा आया वो अपना, आपके पैसा आया और क्या हुआ? पूर्व की प्रधान शिक्षिका द्वारा उस तरह का जो भी हुआ वो उसमें हम उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, उसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं बिहार में स्कूलों में पैसा आता है, अब बंदरबाट यहाँ पर शिक्षक भी कर जाते हैं, प्रिंसिपल द्वारा भी उस पैसे का बंदरबाट कर दिया जाता है। जिस विद्यालय का बच्चों का भविष्य बनाया जाता है उस विद्यालय के प्रिंसिपल द्वारा आए हुए पैसों में बंदरबाट कर दिया लिया जाता है, लूट लिया जाता है। जो पिछला प्रिंसिपल साहिबा थी वो लूट खा पी कर चली गई, और खाने पीने पचाने में इसको फाइलों में दबाने में इसमें बड़े बड़े अधिकारी भी साथ देते हैं, बीओ डीओ सब देते होंगे, ऐसे तो दब नहीं पाएगा, नहीं तो ये मामला उठ सकता था। पैसों वालों के बच्चे नहीं आते हैं इसमें, गरीब के ही बच्चे आते हैं जो मजदूरी डेली
करके बाजार में खटकर या मजदूरी करके कहीं से भी पैसा लगाकर अपने घर का जीविका चलाते हैं। वही लोग ऐसे विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं और वैसे ही बच्चों के साथ यहाँ पर खिलवाड़ किया जाता है। कई विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होता है, अब यहाँ पर हो रहा है या नहीं? अभी हम लोग आए, 10 से 12 बच्चे यहाँ से जा रहे थे, 2 बज रहा था, छुट्टी उन लोग का हो गया था, कुछ बच्चे अभी बैठे हुए थे। अब मुझे लग रहा है सर जी शायद वहाँ से वीडियो बनाते देख लिए, इसीलिए इन लोगों इन बच्चों को रोक लिए, नहीं तो इनको भी छुट्टी कर दिए होते। क्यों सर? नहीं ऐसी कोई बात हो गया होता, छुट्टी हो गया होता, वीडियो हम लोग बना रहे थे, वैसे बच्चे 10-12 निकल गए, ये बच गए। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर आए तो ये बच्चे अभी है, नहीं तो अभी तक यहाँ पर छुट्टी हो गई होती, क्योंकि बाहर से भी बच्चे छोटे छोटे बोल रहे थे डेली 2 बजे के आसपास छुट्टी हो जाती है। लेकिन कितने ऐसे ऐसे कई विद्यालय हैं जहाँ पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है, लेकिन कई प्रिंसिपल शिक्षक ऐसे होते हैं जो बच्चों का भविष्य बना देते हैं। यहाँ पर दीवारों पर लिखा हुआ है मंटुआ साला हगेला, और यहाँ पर ये कौन लिखा है? गाँव के लोग लिखे होंगे, मंटुआ कौन है और कौन लिखा है? आप है? हाँ, मेरा उपनाम है। हाँ, ये हम ही आके लिखे हैं। ये कौन कितनी बढ़िया नहीं लिखा है, ये तो कितनी बढ़िया बात है, ये गलत बात है, कोई भी लिखा है ये गलत है। लेकिन अब कौन लिखा है वो तो ये लोग यहाँ रहते हैं, गांव का लोग तो आके यहाँ रहता नहीं है। कोई भी लिखा है गलत किया है ये, बिल्कुल ये आपके परिवार से नहीं लिखा गया है। तो हमारे परिवार से क्यों लिखेगा कोई? अच्छा तो कौन लिखा है आप ही बताइए। हम लिखे हैं, आप यहाँ के प्रिंसिपल, हम इसका हम लिखे हैं, हम 9 से 4 बजे रहते हैं। ये तो नहीं कह रहा है कि आप लिखे हैं, नहीं तो हम लिखे हैं। जो भी लिखा है गलत लिखा है वो एकदम गलत। चलिए आप लोगों को देखिए किसी शिक्षक से नहीं लड़ना चाहिए। वैसे अगर एक मिनट रुकिए, अगर कोई गाँव का कंप्लेन लेकर आता है शिक्षक के पास तो शिक्षक को भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और वैसे गाँव वालों की तरफ से यहाँ दीवार पर आकर लिख गया है शिक्षक है, यहाँ प्रिंसिपल साहब जो है इनका उपनाम है मंटुआ, और उनको गाली देकर यहाँ पर गंदा गंदा भाषा में लिखा गया है, ये भी गलत है, ये भी सही नहीं है। गांव के लोगों को ये भी नहीं करना चाहिए। अगर गांव के लोग सही निकल जाए तो किसी भी विद्यालय के शिक्षक लापरवाही नहीं कर सकते बच्चों के साथ। हाँ, रही बात शौचालय नहीं खोलने की, तो शौचालय नहीं खुला यह कमी है, इस बात को हम भी मानते हैं। वो पूरा कब होगा? नहीं नहीं, वो खुल जाएगा, वो ऐसा कुछ नहीं है, वो गिट्टी है, थोड़ा बहुत काम हो रहा है, काम होने के बाद वो गिट्टी हट जाएगा, खुल जाएगा। अच्छा, स्कूलिया में कौन बजे पढ़ाई होला? स्कूलिया में 2 बजे हो जाला पढ़ाई, 2 बजे छुट्टी हो जाला, 2 बजे ले छुट्टी, 2 बजे होई कब खाना होना कुछ बने लगी ना? कुछ ना जो ना रोज आवेला लोग की ना दोनों जना बैठा रहे फोन पर, अब छोटकू पढ़ा देने संतोष पढ़ा देने मंटू ना पढ़ा देने। तो 2 बजे मालूम बाकी डेली छुट्टी हो जाए। हां 2 बजे रहो सब है नहीं तो छुट्टी कर देने रखो। आ जब देखल है जो सोझे लौकल है तुरंत भीतर चले लो। अब यहां पर देख सकते हैं विद्यालय के जस्ट बगल में ही इन लोगों का घर है, और यहीं से हम लोग वीडियो बना रहे थे विद्यालय को दिखाने के लिए। तो यहाँ से जब आए थे 2 बजे उसी समय छुट्टी हुआ था, कैमरामैन को जाने में वहाँ टाइम लग गया, तब तक दीवार की आड़ में बच्चे आ गए, और वो लोग जब हम लोग को देखे तो उसके बाद जो बच्चे थे उनको रोक लिए, अंदर बैठा लिए हम लोग को दिखाने के लिए कि अभी बच्चे की छुट्टी नहीं हुआ है। लेकिन अगल बगल के लोग यहाँ पर बोलते नजर आ रहे हैं कि छुट्टी 2 बजे हो जाता है। कौन बजे छुट्टी होगा बाबू? 2 बजे छुट्टी होता है और हम लोग उसे इतना धोवा धोवा के पूरा सजवाते हैं और गिट्टी उठवाते हैं, और कहते हैं कि अगर घर वाले से जाकर कहोगे तो 4 छड़ी मारेंगे और कुछ नहीं रहता है। काम नहीं करती है तो बोलते हैं मारेंगे 4 छड़ी। और क्या क्या करता? पढ़ाई नहीं होता है? पढ़ाई संतोष सर करवाते हैं, बिल्कुल मंटू सर नहीं करवाते हैं। बोलते हैं कि घर वाले से मत कहना नहीं तो 4 छड़ी मारेंगे, ऐसा बोलते हैं। अब हम लोग हमारा खाना इले बनल बगीना मिलल भाई स्कूल में? अभी नहीं 10 बोरा गेहूँ बेचला है, कहाँ से खाना ना बनते रहो मैंने 10 बोरा बेचला हूँ। कोरोना की बात तो बोलने नहीं है, गेहूँ बेचला अपन कोहर तो वही मैं चाहूँ। आप लोग जाकर विरोध की सब लोग गांव वाले मिलकर क्यों नहीं करते हैं? बोलते हैं कि आप कौन होते हो पूछने वाले, उनका कहना है कि आप लोग कौन होते हो हमसे पूछने वाले। आप ही के बच्चे पढ़ते हैं, आप नहीं, हम लोग आपका अधिकार है, बच्चे पढ़ते हैं लेकिन हम लोग का अधिकार नहीं है। मास्टर साहब का मंटू सर का कहना है कि आप लोग कौन होते हो पूछने वाले, तो ये जानना चाहते हैं कि कौन उनसे पूछेगा किसका राइट है। अब यहाँ पर देख सकते हैं अगर गांव वाले जाकर कुछ उंगली उठाते हैं टीचरों पर तो टीचर जाकर थाने में FIR दर्ज कर जाते हैं, और यहीं पर ये लड़का उंगली उठाया था तो जाकर FIR दर्ज हो चुका है ना। हम पे जाके थाना पे, और 2 आदमी को पता नहीं गुप्त में किसका नाम दिया नहीं पता चला, लेकिन मेरा नाम मेन में दिया, और हम ही जाके पूछे तो हमको जूता निकाल के मारने पड़े। वीडियो में पूरा साफ साफ है, आपको आपके पास पूरा वीडियो घेर लिए, तो मम्मी नहीं गई होती तो मारे भी होते हमको। अब यहाँ पर देख सकते हैं यही सब लापरवाही के चलते शायद
बिहार सरकार शिक्षकों की सैलरी रोकी हुई है, जिस सैलरी को पाने के लिए ये लोग जाकर धरना रोड पर देते हैं। अब चलिए जो सच्चाई थी इस विद्यालय की लाकर आप लोगों के सामने रख दिए। इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह दबंग 24 से, धन्यवाद।